सुदन, गफार, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? साहब वो बाजार में बलवा हो गया था, वही रफा दफा करवाने गए थे। अच्छा, ये छोटे मोटे तनाजात अगर मौके पे हल कर दिए जाए ना कुंदन, तो हमारे थाने कचहरियों में रश कम हो जाएगा। बजा फरमाया साहब। क्यों भाई गफार, आज कोई बीड़ी शीड़ी पिला दो यार, होती है ना तुम्हारे पास? साहब ये तो बड़ा घटिया ब्रांड पीता है, मैं आपके लिए बाजार से अच्छी वाली सिगरेट की डब्बी लेकर आता। नहीं 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 नहीं, सिगरेट पीनी होती तो मैं भी मंगा लेता। आ जरा बीड़ी शीड़ी पीने को दिल करा, लाओ लाओ लाओ। लगता आखिरी बीड़ी थी तुम्हारी माचिस से। खत्म हो गई? महीने की 15 तारीख को ही खत्म कर दी? 30 दिन क्यों नहीं चलाते हो? कितनी पीते हो दिन में? ये सरकार कभी 5 कभी 6। 5 6 2-3 क्यों नहीं करते थे दिन की? वैसे भी तंबाकू अंदर जाके जला ही देता है, तेरा सेहत का ज्यादा। इतनी जलने की जल्दी क्या है तुम्हें? आराम से सुलगते रहना पूरे 30 दिन, सेहत भी बच जाएगी और पैसे भी। नहीं जी जनाब। तुम्हें पता कुंदन, मेरे घर में 2 बहनें हैं, माँ है बाप है, बहनों की शादी नहीं हुई। ये जो मुझे तनख्वाह से पैसे मिलते हैं ना, सिर्फ अपनी जरूरत के निकाल कर बाकी सब घर भेजता हूँ। मुझे तो कभी ये सिगरेट बीड़ी की आशी में असर ही नहीं आई। और वैसे भी कहते हैं ना कि जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए, वरना तो वो कारून का खजाना भी कम पड़ जाता। नहीं जी साहब। और एक बात हमेशा याद रखना, एक सिपाही अपने जोश और अपने जज्बे की वजह से दुश्मन से लड़ता है, तनख्वाह की वजह से नहीं। वरना ये चंद हजार के लिए कोई भी सिपाही सर पे कफन बांध के घर से ना निकलता। सही कह रहा हूं? चलो ओके। गफार, बात सुनो, ये लो लो लो, मंगवाया है तुम्हारे लिए। कम पिया करो। जी जनाब। महंगी हो गई। जियो मेरे साहब।